और नॉर्थ इंडियन किचन में ये तो ज़रूर मस्ट हैव है, और ये मैंने लिया है फ्रॉम द ब्रांड श्री एंड सैम। हे गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस। जो लोग भी मुझे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस पर, तो ये आप ही के लिए क्रिएटेड चैनल है। और इस चैनल पर मैं अपलोड करती हूँ गार्डनिंग वीडियोस, व्लॉगिंग, ट्रैवलिंग वीडियोस, इसके अलावा रिव्यू वीडियोस और होम एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। इन शॉर्ट, आज मैं आपके साथ मेरे किचन का कुछ परचेजिंग शेयर करूँगी। रिसेंटली मैंने अपनी किचन में कुछ एडिशन किया है कुकवेयर में। मैंने लिया है स्टेनलेस स्टील का प्रेशर कुकर फ्रॉम द ब्रांड स्थल, विच इज़ एन इंडियन ब्रांड, एंड अनदर वन इज़ फ्रॉम बर्गनर, विच इज़ एन इम्पोर्टेड ब्रांड। दोनों की अनबॉक्सिंग आज हम करेंगे। ये दोनों ही परचेज मैंने रिटेल शॉप से की है, साथ ही कुछ छोटा मोटा स्टफ़ भी परचेज किया है, तो सारी शॉपिंग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आप भी कुकवेयर चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी किचन में कुछ एडिशन करना चाह रहे हैं और सर्च करें एक बेहतरीन कुकवेयर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है और इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, तो जुड़े रहिएगा वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा गुजारिश, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ग्लिम्स ऑफ हैप्पीनेस की फैमिली का मेंबर नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास ही जो बेल आइकन है उसको भी हिट कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट करके जाइएगा एंड आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट भी कीजिएगा। साथ ही मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोज़, कुकिंग वीडियोस, ट्रैवलिंग वीडियोस, रिव्यू वीडियोस। अगर इस तरीके के वीडियो आपको देखना पसंद है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ और कैसा मेरा एक्सपीरियंस है इस परचेजिंग का वो भी दिखाती हूँ, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है स्थल का एक्सप्रेसो प्रेशर कुकर, 5 लीटर कैपेसिटी में है ये, और गैस स्टोव, इंडक्शन और डिशवॉशर सेफ है। लुक तो आप देख ही सकते हैं, बहुत ही एलिगेंट सा लुक है। जो इसका लिड है वो आपको मिरर फिनिशिंग के साथ दिया गया है, और जो कुकर में इनर जो पार्ट है उसमें आपको मैट फिनिश दिया हुआ है। ट्राईप्लाई स्टील में है ये प्रेशर कुकर। ट्राईप्लाई स्टील के एडवांटेजेस हम सभी को पता है, लेस ऑयल यूसेज रहता है, फूड सेफ रहता है, और फूड आपका इजीली स्टिक नहीं होता है अगर आप इसको प्रॉपर सीजनिंग करते हैं तो, नॉन स्टिक के जैसा वर्क करता है। फ्यूल सेफ करता है, खाना इसमें बहुत क्विकली बन जाता है, जलता नहीं है। ट्राईप्लाई स्टील के एडवांटेजेस यही होते हैं। एंड स्पिल प्रूफ है, ईजी टू क्लीन है और लॉन्ग लास्टिंग है। तो हैंडल्स इसमें बोरोसिलिकेट के दिए हुए हैं, जिस वजह से आप इसको ये इजीली गर्म नहीं होते, यूजुअली सभी प्रेशर कुकर्स में रहते हैं ये, तो बट स्ट्रॉन्ग से हैंडल है। लिड आप देख सकते हो कि मिरर फिनिश है, और जो इसका ये वेंट है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही आपको ये फ्यूजिबल डिस्क दिए हुए हैं जो कि सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। पैन की अगर मैं आपको बात करूं तो इसको आप विदाउट लिड भी एज अ पैन यूज़ कर सकते हैं, अनप्रेशर पैन के जैसे। तो ये प्रेशर कुकर आउटर लिड के साथ है और इसको क्लोज एंड ओपन करना बहुत ही सिंपल एंड स्मूथ है। लिड पे आपको कुछ एरो है, सिमिलरली आपके कुकर के हैंडल में भी आपको एरो दिया है। दोनों को ज्वाइन करके आप इजीली इसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, बिल्कुल भी अटकता नहीं है ये ओपन करने में या क्लोज करने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही क्विकली और स्मूथली इसको ओपन कर रही हूँ और इसी तरीके से क्लोज भी कर पा रही हूँ। तो इस लिड में जो गैस्केट है वो भी आपको सिलिकन की दी हुई है। नॉर्मली जो कुकर्स में गैस्केट्स रहती हैं वो प्लास्टिक की रहती है, बट इसमें आपको सिलिकन की गैस्केट मिलेगी जो कि फूड सेफ है। तो ये प्रेशर कुकर ट्राईप्लाई स्टील में है पूरा बॉडी इसका। जो इसकी इनर सरफेस है वो फूड ग्रेड स्टील है SS304 की।
जो सैंडविच लेयरिंग है वो इसमें एलुमिनियम की है, बट वो आपके फूड के कॉन्टैक्ट में डायरेक्ट नहीं आता है एलुमिनियम। एंड जो आउटर लेयर है वो भी SS430 की ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ स्टील माना जाता है। तो ये था एक क्विक रिव्यू स्थल प्रेशर कुकर का। अब मैं आपको मेरा नेक्स्ट परचेज दिखाती हूँ और इसको भी फटाफट ओपन कर लेते हैं। ये है बोगरर का अन प्रेशर कुकर। इसका जो कैपेसिटी है वो है 3.5 लीटर जो मैंने परचेज़ किया है। इसके अलावा भी इस पर क्वांटिटीज़ आती हैं, आप अपने फैमिली साइज़ के कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो ओपन करते ही सबसे पहले मुझे मिला है ये यूज़र मैनुअल और एक वारंटी कार्ड, और इसको ऑनलाइन रजिस्टर करके 6 मंथ्स की वारंटी आप इसमें और एक्सटेंड करा सकते हैं। इसका जो MRP है वो है 4495, 25% के डिस्काउंट के बाद अप्रॉक्सीमेटली 3400 के अराउंड ये मुझे मिला है। और स्थल का जो प्रेशर कुकर मैंने आपको दिखाया उसके कंपैरिजन में ये वाला जो प्रेशर कुकर है वो थोड़ा सा प्राइसी है। इसके क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले इसका लुक देख लेते हैं। तो लुक में तो नो डाउट ये भी बहुत ही एलिगेंट है और ब्यूटीफुल है, ऑर्डिनरी कुकर से डिफरेंट है, और फूड सेफ तो है ही क्योंकि ये भी ट्राईप्लाई स्टील में ही आपको मिलेगा। अब इसके जो बॉटम की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको ट्रिपल लेयरिंग दी गई है और मैट फिनिशिंग में आपको ये प्रेशर कुकर मिलेगा। आउटर लिड में ही है ये भी, और इसकी जो लिड है वो भी आपको मिरर फिनिशिंग के साथ दी गई है। हैंडल्स एंड विसल्स इसके भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी हैं। तो लुक में तो ऑलमोस्ट ये स्थल के जैसा ही है। अब इसके एडिशनल फीचर्स देख लेते हैं जो कि थोड़े से और अपग्रेड है स्थल के कंपैरिजन में। तो इसमें आपको दिया गया है ये मेजरिंग स्केल, और अगर आप कुकिंग में नए हैं या फिर कोई ऐसी डिश बना रहे हैं जिसमें आपको एक परफेक्ट अमाउंट में मेजरमेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर एक मेजरिंग स्केल दिया गया है जिसके थ्रू आप अपनी डिशेस को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट एडिशनल फीचर है इसका ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम। सबसे पहले इसमें एक कन्वेंशनल सेफ्टी वॉल्व दिया रहता है जो कि यूजुअली सभी प्रेशर कुकर्स में रहता है। नेक्स्ट सिक्योरिटी सिस्टम है इसका गैस्केट रिलीज सिस्टम। आपकी कुकिंग के टाइम स्टीम एक्सेस नहीं बनने देता है ये, इसके गैस्केट्स की स्पेस के थ्रू एक्सेस स्टीम रिलीज हो जाती है। थर्ड इसमें आपको दिया गया है सेफ्टी लॉक सिस्टम। कुकिंग के टाइम जितनी भी स्टीम आपके कुकर में रह जाती है, जब तक वो स्टीम रिलीज़ नहीं हो जाती है तब तक इसमें एक लॉक लग जाता है, एंड उसको आप रिलीज़ होने के बाद ही प्रेशर कुकर ओपन कर सकते हैं। ये है इसका सेफ्टी लॉक सिस्टम। तो इस प्रेशर कुकर को ओपन करना एंड क्लोज करना बहुत ही सुपर ईजी है, बहुत ही कम्फर्टेबली आप इसको ओपन कर सकते हैं और क्लोज़ कर सकते हैं। तो 2 एक्स्ट्रा फ्यूज़िबल डिस्क आपको इस प्रेशर कुकर के साथ रिसीव होते हैं। फ्यूचर में अगर इस कन्वेंशनल वॉल्व के डिस्क में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रेशर कुकर में भी आपको सिलिकन की गैस्केट मिलेगी। 5 ईयर्स की वारंटी के साथ आपको ये रिसीव होता है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप 6 मंथ्स की एक्सटेंडेड वारंटी और ले सकते हैं। स्टील की अगर मैं बात करूं तो इसमें 18x10 की प्रीमियम क्वालिटी की स्टेनलेस स्टील यूज़ की गई है। तो बर्गनर का ये प्रेशर कुकर गैस, इंडक्शन, हैलोजन एंड इलेक्ट्रिक सेफ है। सो आई होप अगर आप भी प्रेशर कुकर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आप एक क्विक कंपैरिजन देखना चाहते हैं स्थल एंड बर्गनर प्रेशर कुकर में तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई वुड लव टू डू दैट। एंड इसके साथ मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट परचेज है ये तड़का पैन, और नॉर्थ इंडियन किचन में ये तो ज़रूर मस्ट हैव है, और ये मैंने लिया है फ्रॉम द ब्रांड श्री एंड सैम, और इस तरीके से हैमर्ड डिज़ाइन में है ये।
काफी हैवी मटेरियल है इसका, साथ में आपको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है जिससे कि आप अगर इसमें तड़का लगा रहे हैं एंड यू नो स्पाइसेस अगर आप मतलब इसमें ऐड करते हैं तो ये अनबैलेंस नहीं होगा. ये स्टैंड आपको हेल्प करेगा आपके कुकटॉप पे कि इजीली अच्छे से स्टैंड हो पाए गैस पर तड़का ऐड करते हुए. और स्टेनलेस स्टील बॉडी में है, हार्ड एनाइज नहीं है. हार्ड एनाइज अगर आप लेते हैं तो कोटिंग जब निकल जाती है तो वो एल्युमिनियम ही रह जाता है विच इज़ अगेन हार्मफुल. तो अगर आप तड़का पैन लेते हैं तो वो भी आपको स्टेनलेस स्टील लेना चाहिए या फिर आपको कास्ट आयरन में लेना चाहिए या फिर नॉर्मल आयरन भी अच्छा रहता है. तो ये स्टील का है और ये मुझे कॉस्ट किया है 595 रुपीज़. इसका जो MRP है वो है 699 रुपीज़. बहुत ही ब्यूटीफुल सा है ये भी. मेरा नेक्स्ट परचेज है ये कुकी कटर. कुकी कटर के जैसे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं. स्पेशली छोटे बच्चे को शेप्स बहुत अट्रैक्ट करती हैं. अगर आपके बच्चे भी चूजी हैं खाना खाने में तो आप इस तरीके से उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अपने पराठास या सैंडविचेस या मछली कुछ भी इस शेप्स के अकॉर्डिंगली कट करके देख सकते हैं. तो ये बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट है. चूजी बच्चे हैं ना तो ले लो एक बारी, हेल्पफुल है ये. अब मैं आपको मेरा लास्ट परचेज दिखाती हूँ जो कि मुझे टोटली फ्री मिला है. ये सारी परचेजिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वो शॉपकीपर भैया ने मुझे दिया है. ये है टोंक. सैलड और स्पेगेटी या नूडल्स अगर आप बनाते हैं तो उसको अच्छे से पिक करने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है. मस्ट हैव है ये भी. और गोल्ड प्लेटिंग में है ये. इस तरीके से पूरा फिनिशिंग किया हुआ है इस पर और बहुत ही एलिगेंट सा पीस है ये भी. इसका MRP है 255 रुपीज़. तो ये सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगी. आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं. Amazon या Flipkart पर इजीली ये सारे कुकवेयर आपको मिल जाएंगे. तो या दैट्स इट. ये था मेरा छोटा सा हॉल वीडियो. आई होप ये आपको पसंद आया होगा. और अगर आप भी कुकवेयर लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं ये हेल्पफुल रहा होगा. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है या फिर इस पूरे वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको आप शेयर कर सकते हैं. साथ ही मेरी और भी वीडियोज़, चूँकि गार्डनिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोज़, कुकिंग रिलेटेड वीडियोज़, रेसिपी व्लॉग्स, बहुत कुछ मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है. आप उसको भी चेक करना मत भूलिएगा. तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.